सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी जरूर दबाएं ताकि पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज हमने लाए हैं मूली के पीठो। आज हम बनेंगे हेल्दी मूली के पीठो। आप इसको सब में खा सकते हैं, लंच में खा सकते हैं, डिनर में, स्नैक में, सभी के साथ खा सकते हैं। बहुत हेल्दी भी है। आइए दोस्तों बनाते हैं और इसका मजा लेते हैं। आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए नए रेसिपी के लिए और घंटी ज़रूर दबाएँ ताकि पहला नोटिफिकेशन आपको मिले और हमारे वीडियो को एक लाइक और शेयर कीजिए। पहले एक बर्तन लेते हैं। हम यहाँ पर मूली लिए हैं, छिलका निकाल कर साफ करके मूली लिए हैं। अब इसको ग्रेटेड करते हैं। देखिए हम यहाँ पर ग्रेटेड कर रहे हैं। आप इसी तरह ग्रेटेड कर लिए मूली को। ग्रेटेड करने से देखिए ऐसा दिखता है मूली। हमारा ग्रेटेड हो चुका है। देखिए ये रहा हमारा ग्रेटेड किया गया मूली। अब मूली का पानी निकालेंगे। पानी निकालने के लिए हम यहाँ पर एक बर्तन लिए हैं। अब ये मूली को आप चाहे तो स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर हाथों से मूली को निचोड़ रहे हैं, इसका पानी निकाल रहे हैं। अच्छे से निचोड़ कर इसको सेपरेट कीजिए। इसी तरह हम बाकी मूली को पानी निकाल कर इसे निचोड़ लेते हैं। देखिए स्टेन किया गया मूली अब रेडी है। अब ये मूली के गांठ को थोड़ा हाथों से ऐसे खोल लेते हैं ताकि सब मसाला घुल मिल जाए, इसलिए हम यहाँ पर गांठ को खोल रहे हैं। कुछ चॉप किया हुआ हरी मिर्ची लिए हैं, 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टेबलस्पून चिकन मसाला, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 2/4 काली मिर्ची पाउडर, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, चॉप किया हुआ लहसुन, चॉप किया हुआ प्याज, चॉप किया हुआ फ्रेश धनिया, बेसन 1 टेबलस्पून, राइस फ्लोर 3 टेबलस्पून। अब ये सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमें बेसन को थोड़ा कम देना है, राइस फ्लोर को ज़्यादा देना है। हम यहाँ पर राइस फ्लोर हमारा हीरो है। हम ये सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमें ये सबको अच्छे से हाथों से मिला लेते हैं। देखिए हमारा अच्छे से बैटर को रेडी कर लिए हैं। अब इसमें 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे, 1/2 लेमन का जूस डालेंगे। नमक डालने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है, इसलिए हम कंसिस्टेंसी मेकअप करने के लिए यहाँ पर राइस का फ्लोर 2 टेबलस्पून दे रहे हैं। अब ये सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम पहले नमक डालते तो मूली से पानी निकलता है, इसलिए हम यहाँ पर लास्ट में नमक को डालें। उसको मेकअप करने के लिए हम राइस का फ्लोर डालें, फिर ऐसे गोल गोल गांठ बनाकर अब इसको दोनों हाथों से प्रेस करेंगे। देखिए दोनों हाथों से हमें इसी तरह धीरे धीरे प्रेस करना है। हमारा बड़ा अब थोड़ा थोड़ा हो रहा है। बनाते समय हमें अच्छे से चेक करना है ताकि उसके बेड़े के साइड से नहीं फटना चाहिए। देखिए हमारा बेड़े अब रेडी है। इसी तरह हम बाकी बेड़े को भी बना लेते हैं सेम प्रोसेस में।
देखिए हमारा बड़े सब रेडी है, ये रहा लास्ट में छोटे से बड़े, बड़े सब रेडी है। एक पैन लेते हैं, पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लिए हैं, तेल गरम हो गया है, अब बड़े को डालेंगे। हम यहाँ पर बड़े को ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं कर रहे हैं, हम बस कम ऑयल में इसको सेक रहे हैं, मतलब दोनों तरफ से हम इसको सेकेंगे, जैसे जैसे रोटी बना रहे हैं उसी तरह हम इसको सेकेंगे दोनों तरफ से ऑयल में। बस देखिए कितना सुंदर सुंदर दिख रहा है, ग्रीनी ग्रीनी हमारा हो गया है एक तरफ से। अब इसको पलट देते हैं, देखिए कितना सुंदर कलर आ गया है। इसी तरह हम दोनों तरफ से इसको ऑयल में सेकेंगे। आप बड़े को थोड़ा थोड़ा ऐसे प्रेस कर सकते हैं ताकि जल्दी बड़े पक जाए। याद रखिए हमें ये बड़े को लो फ्लेम में बनाना है, हाई फ्लेम में बड़े को पकाएंगे तो बड़े सब जल जाएगा, इसलिए हम बड़े को लो फ्लेम में बस इसको पकाना है दोनों तरफ से। बहुत टेस्टी बड़े हैं, हेल्दी बड़े भी। देखिए दोनों तरफ से हो गया है बड़े सब, ये इसका दूसरा साइड है, देखिए कितने अच्छे से बन गया है। अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों सेके हुए मूली के बड़े अब रेडी है, आइए दोस्तों टेस्ट करते हैं, बहुत अच्छा है। आप इसी को स्नैक में, इवनिंग में खा सकते हैं, लंच में, डिनर में, सभी के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी है, उसके साथ साथ हेल्दी भी। आप नए नए रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए प्लीज़ दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी जरूर दबाएं ताकि पहला नोटिफिकेशन आपको मिले नए नए रेसिपी के लिए, और हमारे वीडियो को एक लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।